हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खांसी यानी कि कफ के बारे में फुल डिटेल में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, खांसी को ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है, जो अचानक से मनुष्यों पर असर करने वाला एक रिफ्लेक्स है। इसका उद्देश्य बाहरी सूक्ष्म जीवों, रोगाणुओं, जलन, तरल पदार्थ और बलगम को हमारे श्वसन नली और गले में से साफ करना होता है। ये फेफड़ों से हवा का तेजी से निष्कासन करती है। खांसी जानबूझकर या बिना इच्छा के हो सकती है। हालांकि खांसी एक गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। खांसी के अधिकतर मामलों में दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अमूमन खांसी जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, खांसी क्या होती है? खांसी के मुख्य रूप से तीन चरण होते हैं। पहला है सांस लेना, दूसरा है स्वर तंत्र यानी कि वोकल कोर्ड्स के बंद होने पर गले और फेफड़ों में दबाव का बढ़ जाना, और तीसरा है स्वर तंत्र के खुलने पर मुंह से तेजी से हवा का बाहर निकलना खांसी के लिए विशेष संकेत देता है। यदि कोई खांसी से बहुत ज़्यादा ग्रसित है तो ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। अधिकतर खांसी संक्रमित रोगों से होती है, जैसे कि सामान्य सर्दी जुकाम। खांसी संक्रमण रोगों के बिना भी हो सकती है। आमतौर पर खांसी प्रदूषण, गेस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, दम घुटना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़ों में ट्यूमर, दिल का दौरा पड़ना, कुछ दवाइयाँ जैसे कि ACE इनहिबिटर्स, पोस्ट नेजल ड्रिप और धूम्रपान, इन सभी स्थितियों के कारण जो खांसी है वो हो सकती है। डॉक्टर खांसी के इलाज के लिए खांसी के कारण पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ACE इनहिबिटर की वजह से खांसी हुई है तो इसे बंद किया जा सकता है। कोडीन और डेक्स्ट्रोमिथोरफेन और अन्य खांसी को कम करने वाली दवाई अक्सर लोग खांसी के दौरान प्रयोग करते हैं। हालांकि खांसी की दवाइयों पर बहुत अधिक शोध नहीं हुआ है कि ये खांसी के लक्षण को कितना कम कर सकती है। दोस्तों, अगर हम खांसी के प्रकारों की बात करें तो इसके 6 प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार है तेज खांसी यानी कि एक्यूट कफ। ये खांसी अचानक होती है और इसका प्रभाव 3 सप्ताह तक बना रहता है। दूसरा है दोस्तों सामान्य खांसी यानी कि सब एक्यूट कफ। ये खांसी 3 से 8 सप्ताह तक बनी रहती है। तीसरा है दोस्तों जीर्ण यानी कि पुरानी खांसी, जिसे हम क्रॉनिक कफ भी बोलते हैं, तो इस खांसी का प्रभाव 8 सप्ताह तक बना रहता है। चौथा है दोस्तों बलगम वाली खांसी यानी कि प्रोडक्टिव कफ। इस खांसी में थूक और बलगम निकलता है। और पांचवी है सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ। इस खांसी में मुंह जो है वो सूखा रहता है और इसमें थूक या बलगम नहीं आता है। तो दोस्तों, लास्ट में है रात में होने वाली खांसी, जिसे हम नॉक्चर्नल कफ बोलते हैं। तो इस प्रकार की खांसी केवल रात के समय ही होती है। और दोस्तों, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें या संकेतों की बात करें दोस्तों, तो खांसी के लक्षण व संकेत दोनों ही खांसी के कारण पर निर्भर करते हैं। विभिन्न कारणों से होने वाली खांसी के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कई कारणों के लक्षण सामान्य होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक खांसी के मामले में उसके जो लक्षण है वो सामान्य होते हैं। अगर हम दोस्तों तेज खांसी यानी कि एक्यूट कफ के लक्षणों की बात करें तो तीव्र खांसी को संक्रामक और गैर संक्रामक दो कारणों में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि तेज खांसी के लक्षण जो किसी संक्रमण की ओर संकेत करते हैं, तो उसके लक्षण है बुखार होना, ठंड लगना, बदन दर्द, गले में खराश, मतली, उल्टी, सिर दर्द, साइनस में दबाव, नाक बहना, रात में पसीना आना और पोस्ट नेजल ड्रिप वगैरह। कभी कभी ये बलगम और कफ इन्फेक्शन की उपस्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन ये गैर संक्रामक कारणों को भी दर्शाते हैं। इस खांसी के लक्षण जो किसी असंक्रामक कारण की ओर संकेत करते हैं, तो जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे वातावरण में जाता है जहां केमिकल या सांस लेने में तकलीफ पैदा करने वाले पदार्थ हो और वहां पर उसे खांसी होने लगे, तो यह असंक्रामक कारण का संकेत होता है। और अगर खांसी को इनहेलर्स या एलर्जी जैसी दवाइयों का प्रयोग करके कम किया जा सकता है, तो यह भी असंक्रामक कारण का संकेत होता है। दोस्तों, अगर हम क्रॉनिक खांसी के लक्षणों की बात करें, तो क्रॉनिक खांसी के लक्षण और संकेत को सही तरीके से जांचना डॉक्टर के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्रॉनिक खांसी के कई कारणों के लक्षण व संकेत एक समान ही होते हैं। यदि खांसी वातावरण में उत्तेजक पदार्थ की वजह से हुई है,
तो ये तब बढ़ सकती है जब आप आपत्तिजनक या खराब कारकों के संपर्क में आते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को वातावरण में किसी पदार्थ से एलर्जी है तो एलर्जी वाली दवाइयां खाकर खांसी में सुधार किया जा सकता है। यदि खांसी धूम्रपान की वजह से है तो धूम्रपान को कम करके खांसी में सुधार लाया जा सकता है, और यदि धूम्रपान अधिक करते हैं तो खांसी और भी बढ़ सकती है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से फेफड़ों की कोई बीमारी है जैसे कि अस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो उसके लिए कुछ स्थान या गतिविधियों का संपर्क उनके लक्षणों को बढ़ा सकता है। ऐसी खांसी में जरूरी नहीं है कि खांसी के साथ बलगम भी आए। अगर खांसी लंबे समय से हो रहे साइनस इन्फेक्शन, बहती नाक या पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि बलगम के गले के पीछे की ओर बढ़ना उसकी वजह से होती है तो इन रोगों के लक्षण भी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं, और इन रोगों के बढ़ने पर खांसी की समस्या भी बढ़ने लगती है एवं उनका इलाज करने पर खांसी से भी राहत मिलने लगती है। यदि कोई व्यक्ति एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स यानी कि ACE इनहिबिटर जैसी दवाइयाँ ले रहा हो तो खांसी उन दवा को शुरू करने पर हो सकती है या फिर उन दवा के इस्तेमाल के दौरान हो सकती है, और जब इन दवाइयों को लेना बंद कर दिया जाता है तो खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। जो खांसी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से संबंधित होती है इसमें अक्सर सीने में जलन होती है, और इस प्रकार की खांसी दिन के दौरान या जब हम पीठ के बल लेटे होते हैं उस समय तेज हो जाती है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के मरीजों में से कुछ लोगों को रिफ्लक्स के लक्षण नहीं दिखते पर उन्हें फिर भी खांसी हो सकती है। हालांकि ऐसे ज्यादातर लोग अपनी खांसी में सुधार महसूस करते हैं जब उनका इलाज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लिए किया जाता है। यदि खांसी से किसी व्यक्ति में कैंसर के शुरुआती चेतावनी संकेत मिल रहे हैं तो हो सकता है कि उस व्यक्ति में एक साथ कई लक्षण हो। यदि किसी व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर है तो उस व्यक्ति को खांसी के दौरान खून आ सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण या संकेत जो कैंसर होने पर महसूस होते हैं वो हैं थकान, भूख कम लगना, वजन कम होना और उसके कोई ठोस कारण ना पता चल पाना, ठोस या तरल पदार्थों को निगलने की क्षमता कम होना वगैरह। दोस्तों बात करते हैं कि खांसी जो है वो किस कारण से होती है। तो दोस्तों ज्यादातर खांसी वायरस के कारण होती है और इलाज के बिना ही ठीक हो जाती है। दोस्तों अगर हम एक्यूट यानी कि तीव्र खांसी के कारणों की बात करें तो इस प्रकार की खांसी में ज्यादातर इन्फेक्शन ऊपरी श्वसन नली और गले को प्रभावित करती है। इसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, उदाहरण जैसे कि फ्लू, सामान्य जुकाम, लेरिंजाइटिस वगैरह। यदि हमको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो हमारे श्वसन नली और फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, उदाहरण के लिए ब्रोंकाइटिस और निमोनिया वगैरह। परागज ज्वर यानी कि हे फीवर या बुखार की वजह से भी खांसी हो सकती है। और दोस्तों अगर हम जीर्ण खांसी के कारणों की बात करें यानी कि लंबे समय से हो रही खांसी की बात करें तो जीर्ण खांसी के कारण का पता लगाने के लिए इनको 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि पर्यावरण में मौजूद कुछ चीजों से परेशानी होना या फिर फेफड़ों से संबंधित कोई समस्याएं होना या फिर फेफड़ों से वातावरण तक हवा पहुंचाने वाले मार्ग में कोई दिक्कत होना या फिर फेफड़ों से बाहर छाती के भीतर की गुहा की कोई समस्या होना या फिर कोई पाचन संबंधी कारण होना। दोस्तों जीर्ण खांसी के कारणों की बात करें तो धूम्रपान, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD, अस्थमा और कुछ दवाएं जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे हमें परेशानी होती है अगर वो हवा में हो और सांस लेने पर लगातार हमारे फेफड़ों में जाता है तो ऐसा होने से हमें क्रॉनिक खांसी हो सकती है। सिगरेट का धुआं क्रॉनिक खांसी का सबसे सामान्य कारण होता है। धूल, पालतू जानवरों की रूसी, छोटे कण, औद्योगिक केमिकल, प्रदूषण, सिगरेट और पाइप स्मोक, इन सब की वजह से भी हमें क्रॉनिक खांसी हो सकती है। बच्चों में क्रॉनिक खांसी अक्सर अस्थमा की वजह से होती है। इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की स्थिति में भी बच्चों को खांसी हो सकती है। TB यानी कि क्षय रोग, फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन या फेफड़ों का कैंसर भी क्रॉनिक खांसी के कारण हो सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम ही होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि खांसी की रोकथाम किस प्रकार से की जाए। दोस्तों खांसी पर रोकथाम के लिए हम उन परिस्थितियों से परहेज कर सकते हैं जिनसे खांसी होने का खतरा होता है। हालांकि खांसी को रोकने के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है। खांसी होने के जोखिम को कम करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि फ्लू और जुकाम के मौसम में बार बार हाथ धोएं, और ये वायरस को फैलने से रोकता है जो कि जुकाम और इन्फ्लुएंजा के कारण बनते हैं।
जितना हो सके उन लोगों से बचें जो लोग इन्फ्लुएंजा और जुकाम से संक्रमित हैं। धूम्रपान ना करें और तंबाकू के किसी भी प्रकार के उत्पाद का सेवन ना करें। खांसी के दौरान धूम्रपान करने से हमारे फेफड़ों में लगातार जलन होती है। घर और कार्यस्थल दोनों जगहों में इसका खास ध्यान रखें। यदि कोई धूम्रपान करता है तो धूम्रपान करते समय उसके आसपास ना रहें, क्योंकि इससे दूसरा व्यक्ति भी उतना ही प्रभावित होता है। तरल पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करें, क्योंकि ये हमारे गले में बनने वाले बलगम को पतला करने में मदद करता है। साथ ही ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखता है। हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यानी कि फ्लू का टीका लगवाएं। और यदि आपकी उम्र 65 से अधिक है या आप लंबे समय से फेफड़ों से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन जरूर लगवाएं। यदि आप धूम्रपान करते हैं या आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई जोखिम है, तो इन हालातों में आपके खांसी के लक्षण की गंभीरता और भी बढ़ सकती है। यह सुनिश्चित कर लें कि वर्तमान में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है या नहीं। यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो कुक्कुर खांसी या काली खांसी के जोखिम को हम कम कर सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जैसे रोगों की रोकथाम के लिए मरीज अपने आहार में परिवर्तन करें। बिस्तर के ऊपरी और ऊंचे भाग की तरफ सिर करके सोएं और सभी दवाओं का निर्धारित रूप से सेवन करें। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से ग्रसित फेफड़ों की बीमारी के लिए दवा ले रहा है, तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना ही उसके बचाव का सबसे बेहतर तरीका होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि खांसी का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यदि डॉक्टर आपको बताते हैं कि खांसी सामान्य जुकाम या फ्लू की वजह से हुई है, तो इस स्थिति में आप आराम करें, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें और इसे कुछ दिनों तक जारी रखें। अधिकतर मामलों में इस तरह की खांसी 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाती है। अगर खांसी वायरल इन्फेक्शन से हुई है तो ये खांसी 2 हफ्ते से भी ज़्यादा समय तक रह सकती है, और इस तरह की खांसी के लिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर निदान के लिए कुछ टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि छाती का एक्सरे यानी कि चेस्ट एक्सरे। आपके बलगम के सैंपल को प्रयोगशाला में भेज सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि इन्फेक्शन का कारण क्या है, और शायद डॉक्टर मरीज को श्वसन विशेषज्ञ यानी कि रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट से मिलने की सलाह भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर हम खांसी के इलाज के बारे में बात करें, तो खांसी होने पर हमें डॉक्टर से सलाह लेना कब जरूरी होता है? तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति में बिना सुधार के 3 सप्ताह तक खांसी लगातार जारी है, तो इस हालात में आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अधिकतर मामलों में खांसी कोई गंभीर समस्या नहीं है, हालांकि कुछ दुर्लभ मामलों में लंबे समय से चल रही खांसी, फेफड़ों का कैंसर या हृदय गति का रुकना जैसी कुछ बीमारियों का लक्षण हो सकती है। डॉक्टर से सलाह लेने के कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि खांसी का बढ़ना, गर्दन के आसपास सूजन व गांठ का हो जाना, वजन घटना, गंभीर रूप से खांसी होना, खांसी के साथ खून का आना, सांस लेने में परेशानी होना, सीने में दर्द होना, बुखार जो कि काफ़ी समय से ठीक ना हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब दोस्तों अगर हम खांसी के लिए इलाज की बात करें, तो वायरल इन्फेक्शन से होने वाले खांसी का सबसे बेहतर तरीका है कि इसे प्रतिरक्षा प्रणाली पर ही छोड़ दीजिए। आमतौर पर इस प्रकार की खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस यूनाइटेड किंगडम के अनुसार शहद और नींबू खांसी का एक अच्छा घरेलू उपचार है, और यहाँ तक कि कई खांसी की OTC दवा से भी ये नुस्खा बेहतर है। दोस्तों OTC का मतलब होता है बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली दवाई। खांसी के उपचार या इलाज का मुख्य उद्देश्य रोगी को बेहतर महसूस कराना होता है। सामान्य तौर पर खांसी के समय को कम नहीं किया जा सकता। खांसी के कुछ उपचार होते हैं। सबसे पहले उपचार शहद की बात करें, तो यह गले पर एक परत बना देता है जिससे गले में जलन और खांसी कम हो जाती है, और शहद राहत देने वाली एक प्रकार की औषधि होती है। अगर हम इसकी दवाओं की बात करें दोस्तों, तो खांसी के कुछ लक्षणों में दवाई मदद कर सकती है, जैसे कि बुखार या नाक बंद होना। हालांकि ऐसा प्रमाणित नहीं है जिससे ये कहा जाए कि खांसी की दवाई लेने से बहुत कम समय में खांसी ठीक हो जाएगी। छोटे बच्चों को OTC दवाई देने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। खांसी की दवाइयों में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं। अगर हम खांसी को कम करने वाली दवाओं की बात करें दोस्तों, तो खांसी को कम करने वाली दवाएं केवल सूखी खांसी के उपचार के लिए होती हैं। उदाहरण के लिए फॉल्कोडिन या फिर डेक्स्ट्रोमिथोरफेन और एंटीहिस्टामाइन वगैरह। और दोस्तों अगर हम कफ निस्सारक की बात करें यानी कि बलगम को दूर करने वाली दवाओं की, तो दोस्तों ये खांसी के दौरान श्वास नली, ब्रोंकाई और फेफड़ों से बलगम को निकालने में मदद करती है।
उदाहरण के लिए गुइफेनेसिन जो कि बलगम को पतला करता है और हमारे श्वसन नली को चिकनापन भी मिलता है, जिससे वायु मार्ग के द्वारा बलगम को निकलने में मदद मिलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।